हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एबीसी के बारे में बात करेंगे। एबीसी का मतलब होता है दोस्तों, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर सेट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया खबर है और ये खबर कहीं ना कहीं इस खबर का जो असर है इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर आप देख सकते हैं। फ्राइडे के दिन 7.35% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, 121.95 की प्राइस के ऊपर बंद हुआ, जबकि इसका ओपन प्राइस देखिएगा तो 117.50 था और उससे पहले दिन वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस देखें तो 113.60 की थी। 117.50 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 117.05 का लो बनाने के बाद 122.50 का हाई बना डालता है पूरे इंट्राडे में। उसके बाद 5-10 पैसे की गिरावट के साथ 121.95 के ऊपर बंद होता है। टोटल वॉल्यूम देखें दोस्तों तो 1,75,44,307 NSE के ऊपर ट्रेड किया गया और BSE के ऊपर का वॉल्यूम है 20,33,898। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 29,473 करोड़ रुपए। और आपको बताना चाहूँगा, इसका 52 वीक हाई है 139.70 का, लो है 56.80 का। दोस्तों, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड आपको पता है आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1% की हिस्सेदारी इसके अंदर बिक जाएगी क्या? तो दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर कट समझाने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ। देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के द्वारा ओन की जाने वाली एक और कंपनी है जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आदित्य बिरला सन लाइफ एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और ये जॉइंट वेंचर है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और एक और कंपनी है जो कि सन लाइफ है, जो कि कैनेडियन एक कंपनी है और इन दोनों ने मिल करके इसके अंदर जॉइंट वेंचर बना रखा है, इन दोनों के द्वारा जॉइंट वेंचर। तो बेसिकली यहाँ पे देखिएगा तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड जो है 49% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करता है। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड जो है 49% की हिस्सेदारी ओन करता है इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो 49% की हिस्सेदारी इसमें आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड होल्ड करता है और अगर हम देखें तो नहीं सॉरी 49% की हिस्सेदारी ओन करने वाली कंपनी है सन लाइफ, जो कि कैनेडियन कंपनी है। 51% की हिस्सेदारी ओन करता है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड इस जॉइंट वेंचर के अंदर। तो दोस्तों, होने वाला क्या है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड जो है अपनी 51% की जो होल्डिंग है उसमें से 1% की होल्डिंग ऑफर फॉर सेल के माध्यम से ये बेचने वाले हैं। यानी 1% की हिस्सेदारी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड बेचेगा और 12.5% की हिस्सेदारी इसका जो पार्टनर है सन लाइफ, जो कि कैनेडियन एक कंपनी है, वो अपनी हिस्सेदारी 49% में से 12.5% हटाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर 13.5% की स्टेक सेल करी जाएगी ऑफर फॉर सेल के माध्यम से। और ये जो IPO आने वाला है ये कंपनी का, ये पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल के आधार पर होगा और इस IPO के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक अप्रूवल चाहिए था, जो कि आपको पता है ये अप्रूवल पहले ही मिल सकता था। यानी आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इस कंपनी के IPO के लिए पहले ही अप्रोच किया गया था SEBI को, लेकिन उसने रोक लगा दिया था उसके ऊपर और अब जा कर के SEBI ने इसको क्लियर किया है। तो ये एक पॉजिटिव खबर थी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के स्टॉक के लिए भी, जिसकी वजह से आपने देखा इसके अंदर हमें तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखा, राइट। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये IPO अपना लेके आ सकते हैं और इसके लिए ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस जो होता है कंपनी ने, यानी इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने फाइल कर दिया है ऑलरेडी, ओके, SEBI के थ्रू। तो
सेबी ने इसको अप्रूवल दे दिया है, तो ये एक अच्छी खबर है। और दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, ये दिस कंपनी इज़ लुकिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 22 to 24,000 करोड़ रुपये फॉर इट्स एसेट मैनेजमेंट लिस्टिंग एंड इशू साइज जो यहाँ बताया जा रहा है 2,005 करोड़ रुपये के आसपास या उसके बहुत क्लोज हो सकता है। ओके तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के अंदर हिस्सेदारी 1% नहीं बिक रही है, इस चीज़ को आप मेक श्योर करिए, बल्कि आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सन लाइफ दोनों के द्वारा जॉइंट वेंचर जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम, जो कि ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल कर चुकी है और इसको सेबी ने क्लियर कर दिया है। सेप्टेम्बर से अक्टूबर के बीच में इनका IPO आ सकता है। और इस जॉइंट वेंचर के अंदर आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड 51% की हिस्सेदारी ओन करता है, जिसमें से 1% आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड बेचेगा और 49% की हिस्सेदारी सन लाइफ होल्ड करता है, जिसमें से वो 12.5% की हिस्सेदारी बेचेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 13.5% की हिस्सेदारी इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के से भेजी जाएगी ऑफर फॉर सेल के माध्यम से। तो दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड को लेकर के ये एक अपडेट था जिसको क्लियरेंस सेबी के थ्रू मिल चुका है, राइट। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड से डायरेक्टली जुड़ी थी तो मैंने आपको लगा कि बताना चाहिए। ओके सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ABC कैपिटल आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। तो आगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, तब तक टेक केयर।